हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेकअप ट्यूटोरियल एंड दिस हेयर स्टाइल आल्सो। सो मैं साथ ही साथ स्टार्ट कर रही हूँ दिवाली सीरीज। दिवाली के लिए बैक टू बैक वीडियोस आएंगी। तो पहले मैं इस वीडियो से स्टार्ट कर रही हूँ, वीडियो है स्पेशली टीनेजर्स के लिए मेकअप ट्यूटोरियल। जिन टीनेजर्स को ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, न्यूट्रल रहना पसंद करती है, उनके लिए मैं ये मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको क्रिएट करने के लिए मैंने कोई भी ब्रश यूज नहीं किया, कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं किया, सिर्फ मैंने मेरी फिंगर्स यूज की है इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए। तो देखते हैं इस मेकअप लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले एलोवेरा जेल को ऐसा प्राइमर यूज करूंगी, डॉट डॉट करके मेरी फेस पे अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं हाथों से अच्छे से मसाज कर लूंगी। ताकि फेस में अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। देन मैं यूज कर रही हूँ लोटस की मेकअप स्टिक इन दी शेड क्रीमी पीच। इसको मैं एज अ फाउंडेशन एंड कंसीलर यूज करूंगी। एंड दिस मेकअप स्टिक इज फॉर ₹375, लेकिन ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगी। फिर इसको मैं हाथों से ही ब्लेंड कर लूंगी, क्योंकि मैंने कोई भी ब्रश यूज नहीं किया है इस मेकअप में एंड ब्लेंडर भी नहीं। एंड ये इतनी क्रीमी है कि आपकी हाथों से ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। मुझे लगता है कि टीनेजर्स के लिए एक ही मेकअप स्टिक काफ़ी है एज अ फाउंडेशन एंड कंसीलर यूज करने के लिए, अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए मैं उसको फिर एक बार अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं सेम वे में इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की रोज पाउडर, एक लूज पाउडर है। उससे मैं मेरी पूरी फेस को सेट कर लूंगी। आप कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक डार्क ब्राउन पेंसिल को। उसके बाद एक मस्कारा ब्रश से उसको सेट कर लूंगी। फिर मैं यूज कर रही हूँ हिमालय की हर्बल काजल, उसको मैं मेरी आईब्रोज में अप्लाई करूंगी थोड़ी सी। फिर उसको हाथों से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद फिर एक मस्कारा ब्रश से उसको सेट कर लूंगी। तो इसके बाद मैं आंखों की अपर वाटर लाइन में अप्लाई करूंगी। फिर मैं मेरी फिंगर से आई शेडो मेकअप स्टार्ट करती हूँ। आई शेडो के लिए मैंने यूज की है वेट एंड वर्ल की रोज इन दी एयर आई शेडो पैलेट। उसमें दो ट्रांजिशन शेड में से मैं इसको यूज करूंगी एक ट्रांजिशन लुक क्रिएट करने के लिए। जो आई मेकअप मैं कर रही हूँ उसको आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो। अगेन एक न्यूट्रल आई मेकअप है। आंखों के नीचे भी मैं थोड़ी सी उसको अप्लाई कर लूंगी। तो उसके बाद मैं इस शेड को यूज कर रही हूँ मेरी आईलिड्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए। मैं धीरे धीरे उसको मेरी आईलिड्स के ऊपर प्लेस करूंगी। उसके बाद मैं इस लाइट गोल्डन शिमरी शेड को पिक कर रही हूँ
मेरी आईलिड्स के ऊपर प्लेस करने के लिए, ताकि एक थोड़ी सी शिमरी लुक आए। लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी की इंस्टा लाइनर। आई नो कि 50% टीनेजर्स के पास ये होगी, तो इससे मैं एक थिक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। इसकी एप्लीकेटर इतनी अच्छी है कि आप आसानी से आईलाइनर लुक क्रिएट कर सकते हो। देन आंखों के नीचे भी मैं थोड़ी सी लेंथ तक इसको अप्लाई करूंगी। और उसी लेंथ तक मैं काजल भी अप्लाई कर लूंगी, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ APK की मस्कारा। तो अभी मैं ब्लश के लिए अप्लाई कर रही हूँ इस शेड को वेट एंड वाइल्ड पैलेट से, और इसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। मुझे नहीं लगता कि कंटूरिंग की ज़रूरत है टीनेजर्स को। तो इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, मेबलिन मास्टर क्रोम मेटालिक हाइलाइटर इन द शेड मॉल्टन रोज गोल्ड। इससे ही मैं मेरी यूजुअल पॉइंट्स में हाइलाइट कर लूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की न्यूट लिप शेड को। आप आपकी पसंद की कोई भी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि मेरी ड्रेस के साथ ये कलर अच्छी जाएगी, इसलिए मैंने इसको वेयर किया है। अब आईलाइनर से ही मैं एक छोटी सी बिंदी क्रिएट कर लूँगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हो। हेयर स्टाइल के लिए आपको छोटी छोटी पार्ट्स लेनी है ऊपर से। मैं एक साइड में इसको क्रिएट कर रही हूँ, आप दूसरे साइड में भी इसको क्रिएट कर सकते हो एक साथ। एंड छोटी छोटी पार्ट्स लेके उसको ट्विस्ट करनी है, एक साथ आपको ट्विस्ट करनी है, थोड़ी टाइटली आपको ये करनी है। उसके बाद सामने की तरफ लाके मैं इसी तरीके की क्लिप से इसको सिक्योर कर रही हूँ। दो क्लिप्स मैं यूज़ करूँगी, आप नॉर्मल ब्लैक कलर की क्लिप्स भी यूज़ कर सकते हो। So now hairstyle is ready and you are ready to go. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनके साथ आप दिवाली सेलिब्रेट करना चाहते हो, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दिवाली सीरीज में आपको कुछ वीडियोस भी मिस नहीं करनी है। और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल इन एडवांस।